नमस्कार, वेलकम टू फिल्म शंकर चैनल। आज पेश कर रहे बॉलीवुड के चॉकलेटी और रोमांटिक अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्मी बायोग्राफी जानते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्में की, इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर के बदले बेटे हैं। ऋषि कपूर का निक नेम चिंटू था। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल मुंबई और उसके बाद की पढ़ाई मेयर कॉलेज अजमेर से पूरी की। अभिनेता ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ हुई। बता देते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया, उसके बाद वे शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी बिजनेसमैन भारत सहानी से हुई। बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर और कृष्णा कपूर ऋषि कपूर की भतीजी। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता राज कपूर के द्वारा निर्देशित फिल्म मेराम जोकुर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म मेरा नाम जोकर में महज 18 साल की उम्र में बेहतरीन भूमिका के लिए ऋषि कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर पहली बार साल 1955 की फिल्म श्री 420 के लोकप्रिय गीत प्यार हुआ इकरार हुआ में छोटे बच्चे के रूप में नजर आए थे, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस को ऋषि कपूर को बहुत सी चॉकलेट देकर मनाना पड़ता था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्टर डिंपल कपाड़िया थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी और रोमांटिक हीरो में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि ने अपनी पत्नी नीतू के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ऋषि कपूर ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1988 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चले निर्देशित की। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से ही हमेशा ही रोमांटिक किरदार को निभाया, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक के किरदार को देख सभी हतप्रभ रह गए। ऋषि कपूर को फिल्म अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म रिलीज द बॉडी थी। जनवरी 2017 में ऋषि कपूर ने बिना सेंसर की अनुमति के अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर को प्रकाशित किया। 2018 से ऋषि कपूर बोन मैरो कैंसर पीड़ित थे, जिसके बाद वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। 1 साल में सफल हुए इलाज के बाद 26 सितंबर 2019 भारत को लौटे। 29 अप्रैल 2020 को सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड का चमकता सितारा सभी को अलविदा कह चला गया। दोस्तों, आपको चॉकलेटी और रोमांटिक अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोज वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।